हिमाचल, एक देवभूमि जिसके चप्पे चप्पे में बसे हैं इतिहास के रहस्य और लोक कथाएं, और इन्हीं कहानियों को सच्चा बनाने के लिए हैं अनेकों अनेक मंदिर, देवता, पहाड़ों की चोटियां और झीलें। इन्हीं में से एक झील को मैं देखने निकला 8 महीने लॉकडाउन में कैद होने के बाद, वो भी एक पूरे अनप्लान ट्रिप पर। और इसी जगह ने मेरा नेचर को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल दिया। तो पराशर लेक को देखने मेरे साथ चले ओए। सो मेरा नाम है रुबेर और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ट्रैवल शो चले ओए में, जहां पर मैं इंडिया की बहुत सारी सिटीज को सिनेमैटिकली 4K रेजोल्यूशन में दिखाता हूं। सो मैं कहां पर पहुंचा हूं? मैं हूं हिमाचल की एक बहुत ही सुंदर लेक पर, और ये लेक चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरा कैंप है, मैं यहाँ पर अभी चेक इन कर रहा हूँ, और चेक इन करने के बाद में मैं इमीडिएटली सबसे पहले जाऊँगा पराशर लेक को देखने के लिए। सो चला जाए पराशर लेक को देखने। चल ओए। इस जंगल वाले रास्ते से जब मैं झील की ओर निकला, तभी से मुझे शाम के सुनहरे रंग दिखने शुरू हो गए। पता नहीं कौन से रंग थे वो, आसमान का मटमैला नीला रंग और नीचे पराशर के पहाड़ों का अलग सा भूरा रंग। दूरों दूर तक बस एक सिकुड़े कपड़े जैसे पहाड़ों ही पहाड़ों की परत, जिसमें एक के बाद एक दूसरा और कुछ हल्के रंग का होता हुआ आखिर में आसमान की धुंध में मिलता जा रहा हो। और इन पहाड़ों के बीच खड़ा था मैं, इस अद्भुत नजारे को देखकर दंग, अपने कैमरे में इसे कैद करता हुआ। इन नजारों में खोई मेरी नजरें अब जाटे की पराशर झील पर, जो कि पहाड़ों के ठीक बीचों बीच अपने छोटे से पालने रूपी ढलान में मस्त झूम रही थी। इस जगह से घाटी के दोनों ओर की हिमालयन रेंजेस बहुत ही साफ दिखाई देती हैं, जो कि सच में आपका मन मोह लेंगी। इस झील के साथ ही बने महर्षि पराशर का कई सौ साल पुराना मंदिर है, जो कि हिमाचल शैली में बना है। इस मंदिर के बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे अगले वीडियो में, पर यह मंदिर इस झील के किनारे बेहद सुंदर लगता है। इस छोटी सी झील के गहरे नीले पानी में पड़ती हुई पहाड़ों और आसमान के बादलों की परछाई तो आपका सच में मन मोह लेगी। इस झील के अंदर तैरता हुआ एक टापू है, जिसका माप पृथ्वी पर पानी और भूमि के माप के बराबर है। ये टापू झील में अपने हिसाब से चक्कर लगाता है, जिसके कारण ये झील बहुत फेमस है। कुछ देर इस शाम की फोटोग्राफी करने के बाद मैं चल पड़ा मंदिर की ओर। एक्चुअली मैं यहाँ पर पहुँच तो चुका हूँ, बट मैं जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ से सनसेट हो चुका है, सूरज वहाँ पर मेरे पीछे वाली साइड में ढल चुका है, और अभी हल्की हल्की सी ठंडक शुरू हो गई है। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे है पराशर लेक। अभी तो मैं ज़्यादा कुछ फोटोग्राफी नहीं कर रहा, मोस्ट प्रॉब्ली सुबह आएंगे और सुबह आकर दोबारा से फोटोग्राफी शुरू की जाए, और आप सभी को इस ब्यूटीफुल लेक की चारों तरफ की ब्यूटी दिखाई जाए। मुझे ये सुनहरी शाम हमेशा याद रहेगी, जब मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा वहां से पूरी धौलाधार रेंजेस को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, और वो भी इस सुनहरे रंग में। जस्ट वाओ।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, सनराइज अभी होने वाला है। मैं कुछ लोगों के साथ में जो कि मेरे कैंप में रुके हुए थे उनके साथ में पराशर लेक को देखने के लिए निकला हुआ हूँ। सुबह के लगभग 6:15 के करीब का टाइम हुआ है इस टाइम, और इतनी ठंड नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बट नहीं है, मज़ा आ गया। तो चलो ड्रोन उड़ाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर है ये व्यू। अगली सुबह बहुत ही सुहानी थी। शाम के सुनहरे रंग अब रात के नीले रंग में तब्दील हो चुके थे, जिसमें दूर कहीं पहाड़ों से फिर से सूरज अपनी कुछ सुनहरी किरणें भेज रहा था। सुबह जल्दी उठकर मैं चल पड़ा शरद पूर्णिमा के चांद को झील के साथ देखने के लिए। कल शाम के आसमान के नीले रंग जैसे धरती पर उतर आए थे और आसमान जैसे सुनहरा होकर आने वाले सूरज के स्वागत में तैयार बैठा था, और इनके बीच पड़ी पराशर लेक अपने गहरे नीले पानी को संजोए नींद से उठने की तैयारी में थी। ये नेचुरल फिनोमिना चाहे हर महीने होता हो, जब एक तरफ चांद ढल रहा हो और दूसरी तरफ सूरज उग रहा हो, पर मेरे लिए ये पहली बार था कि मैं इसे अपनी आंखों से खुद प्रत्यक्ष देख रहा था। और फिर दर्शन दिए सूर्य भगवान ने, वो भी पूरी गोल्डन चमक के साथ, जिसने सारा समा फिर से सुनहरा कर दिया। कुछ समय बाद धीरे धीरे ये किरणें आकर पड़ी झील के पानी पर, जिसने अब अपने नीले रंग को छोड़ आसमान के बादलों को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। सच में ये समा कुछ बहुत ही अलग था। दूर पहाड़ों के ऊपर भी सूर्य की किरणों ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया था, जिससे वो बादलों की परछाई के साथ कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। ये मेडोज बेहद खूबसूरत हैं, और इनको दिन के किसी भी टाइम आकर देखें तो इनका रूप कुछ अलग ही नजर आएगा। दिन क्या, साल के हर मौसम में हर दिन, और यही जादू है इस झील और इस जगह में। जब मैं इन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा था, तब एक भी इंसान यहाँ नहीं था। जैसे पराशर ऋषि ने मेरे लिए ये जगह खुद अपने आशीर्वाद से खाली करवा दी हो, जिससे मैं इस झील को आप सभी तक परफेक्ट ब्यूटी में दिखा सकूं। बस मैं इसका एहसास कर सका तो मैंने ये आपको बता दिया। क्या आप कभी ऐसा कुछ महसूस कर पाए हैं? यहाँ पर हिल टॉप पर पहुंच चुका हूँ, सामने मेरे सूरज है और इतना प्यारा व्यू है। आई सजेस्ट अगर आप पराशर लेक आ रहे हैं तो इस लेक के दोनों साइड के ऊपर कुछ दो हिल टॉप्स हैं, यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर रेयरली कोई आता है सुबह वाले टाइम पर, और यहाँ से जो 360 डिग्री वाला व्यू मिलता है, इट इज़ जस्ट ऑसम। इसको मिस मत कीजिएगा आप। और दूसरी चीज़, मेरे पीछे जो अभी जो मंदिर है, मंदिर में आरती हुई, मैं वहाँ पर अभी जा नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम लैप्सेस वगैरह शूट कर रहा हूँ। पर ये हुआ भी बहुत अच्छा, टाइम लैप्सेस वीडियोस और फोटोग्राफी करते हुए कब टाइम निकला पता ही नहीं चला, और मैं इस टाइम में अंदर से बहुत खुश हो चुका था। फिर क्या था, मैं भी उछलता कूदता निकल पड़ा इन मेडोज की सैर करने। ये मेडोज सूरज की इन किरणों की वजह से अपना रूप हमेशा बदलते रहते हैं, और आप इन किरणों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। सच में ये पराशर लेक का सफर मेरे लिए हमेशा के लिए एक यादगार सफर रहेगा। लॉकडाउन के बाद की ये पहली ट्रिप मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह थी, और मैं होपफुली इस ब्लेसिंग को आप तक पहुंचा पाया। मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ऐसी सुंदर वीडियोज़ को देखने के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के और झील के रहस्य को। तो इस प्यारी सी जगह को घूमने मेरे साथ चल ले ओए। चल ले ओए।